हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं मट्ठी बना रही हूँ, तो बहुत टेस्टी बनी थी। ये चावल का आटा का मैंने बनाया है, तो इसी तरह से बनाइए। बहुत कुरकुरा बना था, तो उसके लिए पहले मैंने मसाले तैयार किए। मैंने तो इसमें लौंग, इलायची है, मेथी दाना है और अजवाइन जीरा है। तो इसकी क्वांटिटी आप सब बराबर ले लीजिएगा, एक एक चम्मच करके। और लिया है मैंने एक चम्मच लौंग, एक चम्मच काली मिर्च है, और दो चम्मच इसमें अजवाइन है, दो चम्मच जीरा है, दो चम्मच मेथी है। ऐसे ही मसाले तैयार किए मैंने। सबको भून के अच्छी तरह से उसको ठंडा होने के बाद पीस लेना है। और ये चावल का आटा है, इसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाला है, और इसमें गाजर डाला है, हरी मिर्च काट के डाला है। और आप चाहे इस ये आप डाल भी चख सकते हैं, मैंने ऐसे ही डाल दिया, अच्छा लगेगा टेस्ट बोल के। आप स्किप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और इसमें गर्म पानी डालना है और इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। हल्का नमक डाल दीजिएगा, और सादा नमक ही डालिएगा, सेंधा नमक नहीं डालिएगा, नहीं तो टेस्ट ख़राब हो जाएगा। और थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी डालते जाइए और इसको मिक्स कर दीजिएगा। और आधे घंटे के लिए इसको रेस्ट करने के लिए रख दीजिएगा, आधे घंटे नहीं 20 मिनट के लिए ज़रूर रखिएगा, ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। और इसके ठंडा होने के बाद इसमें, और ये पुदीना और धनिया है, उसका पत्ता को मैंने अच्छी तरह से धो के इसको काट के महीन महीन इसमें डाल दिया। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, बोल के डालना ज़रूरी है। और ये देखिए, मैं अच्छी तरह से इसको आधे घंटे के लिए सेट करने के लिए रख दी थी, और सेट हो चुका है। अगर ज़रूरी पड़े तो आप थोड़ा सा इसमें, और ये मसाले हैं जो मैंने तैयार किए थे, इसको थोड़ा सा दरदरा पीस लेना है। और इसमें हल्का सा तेल डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मैश करना है, मिक्स करना है, और आटे की तरह इस तरह से गूंद लेना है। अगर ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा चावल का आटा ऊपर से डाल सकते हैं, अगर गिल्ला जैसे लगे तो। तो इसके बाद इसका एक ऐसे ही छोटा छोटा, जैसे मैं आटे बना रोटी बनाने के लिए करते हैं, निमकी बनाने के लिए, तो इसी तरह से बड़ा बड़ा आप लोई ले सकते हैं, और रोटी की जैसे बेल लीजिए आटा लगा लगा के। और उसके बाद छोटा छोटा आप काट लीजिए, आप किसी भी चीज़ के साथ काट सकते हैं, किसी ढक्कन के साथ काट सकते हैं, छोटा कटोरी के साथ। तो मैंने गिलास में, छोटा गिलास में ही उसका शेप काटा है, आप छोटा बड़ा जैसे भी शेप निकाल सकते हैं। और उसके बाद इसको सेट होने के लिए रख दीजिए, और एक तरफ मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया है। जब तेल अच्छी तरह से गरम हो जाए तो इसको कुरकुरा होने तक इसको तलिएगा, तुरंत मत पलट पलट करके तुरंत निकाल मत दीजिएगा, नहीं तो वो कुरकुरा नहीं होगा। और इसको स्टोर करने के लिए कम से कम हम 15-20 दिन तक आप स्टोर भी कर सकते हैं, सफ़र में ले जा सकते हैं। बहुत टेस्टी बनता है, बहुत कुरकुरा बनता है। इसी तरह से बनाइएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा, और ये देखिए बेल बटन को भी क्लिक करिएगा, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और ये देखिए कितनी अच्छी तरह से ये अलट पलट करके मैं सीख रही हूँ, इसी तरह से अलट पलट करके सीखिएगा। कुरकुरा बहुत अच्छा बनाइएगा इसको, और बनता ही बहुत अच्छा है। थोड़ा सा इसको लाल करके ही सेकना है, ताकि ये बहुत अच्छा कुरकुरा बने। और टाइम लगता है थोड़ा सा सेकने में, आप तेल अच्छी तरह से गरम कर लीजिएगा तो समय नहीं लगेगा, फटाफट फटाफट बन जाएगा। और ये देखिए कितनी अच्छी तरह से कुरकुरा बना हुआ है, इसी तरह से बनाना है, और इन्जॉय करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, इसी तरह से मेरे वीडियो प्यार देते रहिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। बाय।